वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड दैट पार्टी बॉय में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम आपके लिए हमेशा नई बाइकों के अपडेट के साथ साथ एक जरूर हाइट एक टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे सब्सक्राइबर है जिनकी हाइट छोटी है या जिनकी हाइट ओवर हाइट है या 5'10" या 5 फुट या 6 फुट के लोग हैं, वो उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि यार क्या ये बाइक हम चला पाएंगे, मतलब हम लोग जब पहाड़ों पे या सिटी राइड करेंगे तो क्या हमारे पैर इस पे आ पाएंगे। तो मैं हमेशा से ये वीडियो बनाता हुआ हूँ और आज भी आपके लिए जो है 100-350 के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है 3 हाइट के फिलहाल अभी जो है लोग हैं, एक जिनकी हाइट 5'3" है और एक की जो है 5'7" है और एक की जो है 5'10" है। तो देखते हैं कितना कम्फर्टेबल ये लोग बाइक में रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ज्योति जी है जिनकी हाइट जो है 5'3" है, और उसके अलावा हमारे पास जो है सूरज है जिनकी हाइट आई थिंक 5 मुझसे बड़े हैं, तो 5'8" होगी। और इसके अलावा फिर जो है तीसरे जो है गौरव है जिनकी हाइट आई थिंक 5'11" करीब है। तो देखते हैं कितना हाइट कंपेटेबल टेस्ट में कितना मतलब कंफर्टेबल ये लोग बैठ पाते हैं। तो ज्योति जी हमारी जो है राइडर है जो रॉयल एनफील्ड में काम करती हैं, और एक बार मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो बाइक है थोड़ा सा हाइट रिलेटेड लोगों के लिए बनाई गई है, जिन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी कि रॉयल एनफील्ड हमेशा लंबे और मतलब खतरनाक लोगों के लिए बाइक बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट किया। मैम एक बार आप इसमें बैठ जाएंगी प्लीज़ बाइक में। तो मैम की हाइट जो है 5'3" है, ज्योति जी की हाइट जो है 5'3" एक बार आप पूरा अच्छे से बैठ सकते हैं। हाँ तो 5'3" की हाइट में सीधा कर लो हाँ ठीक है, 5'3" ही है ना आपकी एक्सेक्ट। तो 5'3" की हाइट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्योति जी थोड़े से कंफर्टेबल है, लेकिन अगर मैं इनकी हील और टो की बात करूंगा तो थोड़ा सा आप देखेंगे जो हील जो है थोड़ी सी ऊपर है और टो जो है इनकी ज़मीन से अटैच है, तो मतलब थोड़ी सी आई थिंक 5'3" में थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ ज्योति जी आपको कंफर्टेबल रहेगा या कंफर्टेबल है, लेकिन हाइट में थोड़ा सा आपकी हील ऊपर है तो कुछ कन्फ्यूजन या कुछ दिक्कत नहीं होने वाली? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बट अगर हाइट थोड़ा हील थोड़ा और ऊंची पहने तो कंफर्टेबल है बाइक। यस सर। तो अगर पहाड़ों वाड़ों में अगर कोई लेडी इस बाइक को ले जाती है तो इजीली कंफर्टेबल हो सकती है? मतलब हाँ जी आराम से। कट्स में सिटी राइड्स में नॉर्मल बिल्कुल हाँ जी। और बाकी बाइक आपको कैसी लगी? बाइक बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बाइक है, काफी कंफर्टेबल है। मौका मिला क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो है पहाड़ों के लिए जानी जाती है, कहां आप ले जाना चाहेंगे? कहीं पे भी। बात जो हम सूरज जी को बुलाना चाहेंगे जिनकी हाइट, सूरज एक बार आप आ जाइए यहाँ पे। सूरज जी की जो हाइट है वो आई थिंक 5'9" है, 5'8" और 9 के बीच है, मुझे थोड़े से ऊपर क्योंकि मेरी 7.5 तक है हाइट। एक बार सूरज जी आप इसमें प्लीज़ बैठ जाओ ना, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा हाइट रिलेटेड लोगों के लिए बाइक बनाइए जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और ये है सूरज, और एक बार इनके पैर अगर आप नीचे से अच्छे से देख लेंगे ना तो कंफर्टेबली मतलब ये लोग ये मैच कर रहे हैं। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि कंफर्टेबली 5'6" के बाद 5'6 से 5'9 के बीच की बंदों के लिए मतलब बाइक बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। और अगर इनका पोस्चर आप देखेंगे पर पकड़ना बाइक ढंग से तो कुछ इस तरह से इनका जो है लुक आने वाला है इस बाइक में, क्योंकि बाइक थोड़ी सी मुझे मतलब सब ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है हाइट में कम है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, मतलब बाइक अच्छी है? नहीं नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हाइट रिलेटेड लोग जैसे आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक 5'9" 5'8" के बीच है, तो उनका कहना होता है कि यार थोड़ी सी बाइक नीचे है, तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ओवर हाइट आपको नहीं लग रही? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सो बाइक कैसी आपको, मतलब ओवरऑल कलर इतने लुक भी बढ़िया है, कलर से इसके बढ़िया है, बाकी सही है, हाइट भी इसकी सही है। ओके सो पहली राइड अगर मिली ले जाने के लिए पहाड़ों के लिए जैसे रॉयल एनफील्ड जानी जाती है तो कहाँ ले जाएं? बाइक अच्छी है, ले जाएंगे कहाँ ले जाओगे? राइड पे कहीं पे भी जाएंगे, अभी तो पहले हमारा एक राइड का है, जाएंगे कहीं भी देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, शुक्रिया। एक बार गौरव आप एक बार प्लीज़ आ जाइए यार लास्ट। और गौरव की हाइट थोड़ी जो है वो इनसे भी ऊपर है, आई थिंक 5'11" के ऊपर है, तो ये ओवर हाइट होने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कितने कंफर्टेबल होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गौरव प्लीज़ एक बार आप बैठ जाएंगे। तो अगर गौरव के अगर आप पैर देखेंगे ना तो मैं जब 5'9" और 5'8" हाइट वालों के जो है पैर सीधा रहे तो इनके भी बहुत कंफर्टेबली इस बाइक में मैच हो रहे हैं। लेकिन क्या ये बाइक इनको अनकंफर्टेबल करेगी क्योंकि थोड़ी सी छोटी बाइक है? थोड़ा सा आपको हाइट की वजह से कंफर्टेबल मतलब जितनी हाइट है वो कंफर्टेबल है, इससे क्या होगा कि बैलेंस आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी कि हाइट प्रॉब्लम की वजह से। सिटी पर्पज़ के लिए और लॉन्ग रूट्स के लिए तो रॉयल एनफील्ड वैसी मोटरसाइकिल बनाती है अपनी, तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी। बट इन्होंने वेट का भी बहुत ध्यान रखा है, 179 kg है इसका, और जो आपका मेट्रो वाला जो है इसकी 181 kg है। अच्छा। और इसका मिटियोर से 13 किलो के कम हुआ है वेट, और क्लासिक से 10 किलो कम है इसका। तो मतलब रॉयल एनफील्ड के सेगमेंट में सबसे हल्की बाइक ये इन्होंने निकाली और लोगों का ध्यान रखा है।
हाँ, और लोगों का ध्यान रखा है और इसलिए शायद इसका प्राइस भी कम, प्राइस भी कम है। और दूसरा जो है, एक जो रॉयल एनफील्ड कस्टमर थे, जैसे यूथ कस्टमर है, उन्हें चाहिए होता है लुक। जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह देखेंगे, उन्हें एक लुक चाहिए होता है कि वो अट्रैक्ट करे। अब जैसे रॉयल एनफील्ड आप अगर आप पहले देखते हैं तो सबके दिमाग में आती थी एक बुलेट 350, लेकिन वो ओल्ड स्कूल टाइप हो गई। अब कंपनी ने जो रॉयल एनफील्ड ने काम किया वो किया लुक के ऊपर, कि यूथ कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इस पे मोटरसाइकिल पे। तो आप मुझे हैवी ड्राइवर लग रहे हो यहाँ पे, अगर पहली राइड मिली कहीं बाहर जाने के लिए। अभी 15, वो तो मेरी डिसाइड हो ही चुकी है, अभी हम 15 तारीख को आगरा जा रहे हैं और मैं वो हंटर ही लेके जाऊँगा। अच्छा, हंटर लेके जा रहे हैं। अरे अरे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू भाई हमसे जुड़ने के लिए यार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये हाइट वाला जो सेगमेंट है हमारा आपको हमेशा पसंद आता है, और ये वाला भी सेगमेंट जो है आपको पसंद आए, और आपके बाकी सारे 350 cc के साथ हमने सबको हाइट सेगमेंट के साथ सबके पैर तक और टो और हिल सब कुछ आपको दिखा के कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर कर दी, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब्सक्राइबर हमारे छोटे वाले हैं, 19 ईयर 20 ईयर ओल्ड, हाइट थोड़ी सी छोटी है, उनको भी इस बाइक में आई थिंक दिक्कत नहीं आने वाली। ये सब आपने जो है कन्फर्म कर लिया होगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। सो इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दैट पार्टी बॉय। थैंक यू so much।